बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ बाबर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का दौरा। सियालकोट मिशन गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी भी मौजूद। सूबाई वजीर ने आशूरा मुहर्रम हराम के जुलूस के रूट का मुआयना किया। सूबाई वजीर ने एमरजेंसी कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने नौ डिवीजन का दौरा किया। सूबाई वजीर सियालकोट में अमन अमान के लिए इंतजाम का जायजा लिया है। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान सियालकोट लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए मुमकिन इकदाम किए गए हैं। सूबाई वजीर जुलूसों के रूट की CCTV कैमरों से मोनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कर नैन, DPO हसन इकबाल ने ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली मंशाला भट्ट, फैसल अकराम, तारिक सुबहानी, राना आरिफ हरना, पॉलिटिकल सेक्रेटरी वजीर बल्दियात दाऊद बुखारी भी इनके हमराह थे। जिला में एक कैटेगरी की 66 मजालिस 40 जुलूस से बरामद होंगे। सूबाई वजीर मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3180 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी देंगे। तहसील हेडक्वार्टर साहिबाल गुज़श्ता 6 माह से मेरी तनख्वाह बंद है, जिसकी वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिसकी वजह से घर की बिजली बंद है। घर में फाकों की नौबत है, भूख से बिलकते बच्चों को देखकर बहुत तकलीफ होती है। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर सप्ताह का क्लर्क बाबर जोया इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। इसने मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जो मैं ना दे सका। जब मैं इसके पास जाता हूँ तो मुझसे मालिश करवाता है और अपने ज़ाती काम करवा के कहता है कि आपकी तनख्वाह बहाल हो जाएगी। लिहाजा आला काम से गुजारिश है कि मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लेकर क्लर्क बाबर जोया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी तनख्वाह बहाल की जाए, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। ये बातें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सैनिटरी वर्कर काशिफ मसीह ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कही। जबकि इस सामने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के क्लर्क बाबर जोया का कहना था कि काशिफ मसीह को काम ना करने और बदतमीजी करने की वजह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद हसन राना ने 10 अप्रैल को CEO की सप्लाई पर लीव कर दिया था, जबकि 30 अप्रैल को मजकूरा सैनिटरी वर्कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में वापस आ गया। इसकी तनख्वाह का मामला काउंट ऑफिस सरगोधा के मुतालिक है। मजकूरा सैनिटरी वर्कर और दीगर लोगों की सर्विस बुक मुकम्मल ना होने की वजह से इन तनख्वाहें बंद हैं। इसमें हमारा ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद हसनाना का कोई मनफी किरदार नहीं है। कैमरा मैन वहाब खान के साथ अब्दुलरहमान मुगल, 12 न्यूज, तहसील साहिवाल, सरगोधा। जी मैं नकाशी मसीह है जी, मैं संटी वर्कर हाँ साहिवाल जिला सरगोधे चो बोल दिया वा। तो THQ के मुलाजम हाँ जी संटी वर्कर वे। तो बाबर जोईया ने मेरे नाल बहुत ज्यादती की है जी। वेखो जी मेरे घर के हालात की हो गए ने, तो 6 महीने हो गए तनखावां बंद ने जी। मेहरबानी करो जी, आपसे गुजारिश है हुकूमत से, मेहरबानी करो, हम पर रहम करो, तरस करो। तो बाबर जोईया ने साढ़े को पैसे भी मंगे जी। परेशान और बहुत बच्चों की हालात देखो, क्या हालात हो गई हमारी। और बहुत ही वो हम पे तहद्दत करता है, जुल्म करता है, हमारे मालशा करवाता, मिन्नता करवाता, तरले करवाता, फिर भी नहीं हमारी तनख्वाह चलता। ये कहता है चल जाएगी, फिर भी नहीं। खाने के लिए हम बहुत परेशान है, हमारे खाने के लिए आटा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, हम किधर से खाएंगे। और ये बिजली का बिल है, ये हमने तारने, अब लाइट हमारी बंद है घर की। सरकडस्का के थाना मोत्रा के इलाका बाकरपुर में डाकों की फायरिंग से 53 साल ओवरसीज शख्स जामहक वाकिया थाना मोत्रा के इलाका बाकरपुर में पेश आया। मोहम्मद अमजद मोत्रा से वापस मोटरसाइकिल पर घर की जानिब वाकिया बाकरपुर जा रहा था कि रास्ते में नाका लगाए डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने असला के जोर पर रोक कर अमजद से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की मुजामत करने पर गोलियां मार दी, जो मौके पर जामहक हो गया और डाकू फरार हो गए। पुलिस थाना मोत्रा ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं कोड़ा से। 12 न्यूज के नुमाइंदे राना नासिर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर के चर्चेज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। DPO कोड़ा तारिक अजीज सिंधु के हदायत पर संडे सर्विसेज के मौका पर मसीही इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर चर्चेज में वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरा फाल रखने की हदायत। मुतलका SHOs को चर्चेज के इतराफ गश्त को मौसर बनाने के अहकाम भी जारी। मसीही बरादरी को पुरअमन माहौल की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारान की किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अकलीतों के तहफ़ और हकूक की पासदारी के लिए कोड़ा पुलिस समावत तैयार है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ बाबर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका अगुकी से जहां पर 6 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस के दीमी मातमी संगत इमाम अली अल हक के सालार शेर अली वल्द बहादुर खान वल्द मुश्ताक खान के घर से बरामद हुआ और अपने रवायती इलाकों से होता हुआ माम बारगा माम मेहदी में सताम पजीर हुआ। मुहर्रम हराम के इस मरकजी जुलूस में
जुला शहजादा अली और जुलजार भी बरामद कराए गए और रवायती रास्तों से होते हुए माँ बारगाह में पहुँचाए गए। जुलूस में जंजीर सनी सीना सनी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर मरकजी मापनी संगत अमाम रिहा के सरदार शेर अली बहादुर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई करबला जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये कि वाकई करबला और राजदारी हमें अमन और भाईचारे का पैगाम देता है कि इस मुहर्रम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बड़े मशहूर इमाम हैं उनकी शहादत हुई है और उनकी शहादत हमें हमारे लिए मसले राह है, वो हक के साथ खड़े हैं। ये मिशन इमाम हुसैन वो मिशन है इमाम का कि जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हम तो इस पे बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमारी जान माल हमारी जिंदगियां हमारे बच्चे इस मिशन पे कुर्बान। और उसके बाद मैं एक अपने मोमिनीन मोमिनात को पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ये जितने भी मोमिनीन यहाँ पे मौजूद हैं ये अपने बच्चों को अपने आप को इमाम ज़माना अपने वक्त के हुसैन को पहचानने के लिए जो है ना तैयार करें, अपने वक्त के हुसैन के साथ खड़े होने के लिए। जी माशाल्लाह पंजाब पुलिस के सुधार जिन्होंने अच्छी शिक्षा और अच्छे इंतजाम के साथ उसको तरीके से अपने जो है ना जो ठोस कामदन है उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी जारी है और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का साथ अच्छा। थैंक यू। खबर शामी कहते हैं बुरेवाला से नुमाइंदा 12 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बारिश ने बुरेवाला में तबाही मचा दी। तेज आंधी ने लोगों के घरों की छतों से सोलर प्लेटें उड़ा दी और वापरा का निजाम दरम बरम कर दिया। गली मोहल्लों में पानी घरों में दाखिल हो गया और वापरा की लाइट इलेक्ट्रिक पोल गिरने की वजह से बिजली घंटों तक बंद रही। हर तरफ पानी ने अपने डेरे जमा लिए जबकि पेट्रोल पंप की छत तेज आंधी की वजह से जमीन बोस हो गई जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। तेज आंधी और बारिश की वजह से लोगों ने इस्तग़फ़ार का वर्द शुरू कर दिया जबकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बुरेवाला में वर्ल्ड प्रोग्राम के तहत नई सड़कें और नए खाले बनाने के बावजूद पानी का अखराज मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद तमाम महकमों ने अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया है जो कि ताहाल जारी है। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद की हिदायत पर जिला भर में फ्लैग मार्च करने के अहकाम जारी किए गए थे। शोरकोट तहसील और सर्कल शोरकोट में भी सिसिंग मिश्रा शोरकोट स्पंदियार और डीएसपी सर्कल शोरकोट मेहर हयात सरगाना की जेर क़यादत फ्लैग मार्च का अहतमाम किया गया। फ्लैग मार्च थाना शोरकोट सिटी से शुरू हुआ, मुख्तलिफ रूट से होता हुआ जामिया आसमानिया बाईपास रोड से तहसील चौक से गढ़ महाराजा तरफ मुकर्रर करदा रूट पर किया गया। डीएसपी सर्कल शोरकोट से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमनोमान के सूरतहाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनका किया गया है। तमाम तरह सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं, किसी को भी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं दी जाएगी। एस एस एन मिश्रा शोरकोट ने कहा कि स्टेट के तमाम अदारे मुतहरिक हैं और अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। शोरकोट में सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम इंतजाम मुकम्मल है। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस से हिसाब पर दरबार पर जायरीन को आने के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों को बताना है कि सिक्योरिटी इदारे को हुकूमती नुमाइंदे 24 घंटे अलर्ट हैं और यहां पर मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं। मजीद इनका कहना था कि सिक्योरिटी के मामलों पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट राना फोरम जवाब 12 न्यूज़ शोरपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मसीह न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।